प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है, हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जोसी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा, प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के हर एक श्रोताओं को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का मनन के लिए हम लोग पत्रस का पहला पत्री एक अध्याय उसका 13-16 तक हम लोग पढ़ेंगे। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हम लोग पिछले सप्ताह में हम लोग देखे थे एक अध्याय 13-16 पद तक हम लोग देख सकता है हमारा नया जीवन शैली किस प्रकार होना चाहिए। हमारा प्रभु में आने के बाद हमारा जीवन शैली एक पवित्रता का एक जीवन है, और उसमें 13 और 14 पद हम लोग पिछले सप्ताह में हम लोग देखे थे। हम क्यों एक पवित्र जीवन जीना चाहिए उसका कारण है, हमें 15 पद में पढ़ता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हम पवित्रता में जीने का पहला कारण है हमें बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। पवित्र परमेश्वर पवित्र बुलाहट के द्वारा पवित्र होने के लिए हमें बुलाया है, इसलिए हम हमारा सारा चाल चलन में पवित्र बनना है। 2 अध्याय 9 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समान और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हम एक पवित्र लोग है और परमेश्वर का निज प्रजा है, इसलिए हमारा जीवन पवित्र होना बहुत जरूरी है। पिछले सप्ताह में हम लोग देखे थे पवित्रता का मतलब क्या है। पवित्रता का मतलब अलग होना, अलगावट का जीवन, पाप से अलग होकर परमेश्वर के लिए जीना, वो है पवित्रता का मतलब। विश्वासियों का पहचान पवित्रता है। भजन संहिता 93 का 5 पद में ऐसे पढ़ता है, ये यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देता है। परमेश्वर के भवन को अर्थात परमेश्वर का मंदिर को शोभा देने वाला बात है पवित्रता। हम वजन में हम लोग पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 3:16 और बहुत सारा जगह में हम लोग पढ़ता है हम परमेश्वर का मंदिर है हमारा शरीर। तो परमेश्वर का मंदिर को शोभा देने वाला जो बात है पवित्रता, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देता है। और कौन सा बात में हम लोग पवित्र होना चाहिए, हम 15 पद में पढ़ा, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हम हमारा सारा चाल चलन में पवित्र बनना है। सारा चाल चलन मतलब हमारा सोच विचार में, हमारा बोली में, हमारे काम में, हमारा व्यवहार में, हर एक क्षेत्र में हम लोग पवित्र होकर रहना है। हम लोग 1 अध्याय 18 पद में हम लोग पढ़ता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा हुआ। हमारा जो निगम्मा चाल चलन बाप दादाओं से हम लोग जो चला आता था वो चाल चलन से
प्रभु हमें चुड़ाया है, अपना बहुमूल्य लहू से हमें चुड़ाया है। और उसके साथ में 2:12 में हम ऐसे पढ़ता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, बाप दादाओं से चला हुआ जो चाल चलन से परमेश्वर हमें अपना लहू देकर बुलाया, और इसलिए हमारा जो चाल चलन इस संसार का, इस दुनिया का, बाकी लोगों का जैसा होना नहीं चाहिए, हम उसमें अलग होना बहुत जरूरी है। और उसका 16 में हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमें मालूम है ये पुराना नियम से लिया हुआ एक भाग है, और पुराना नियम में अलग अलग जगह में ये बात लिखा है, यही बात लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लेवी व्यवस्था 11 44-45 पढ़ने से हम लोग देख सकता है, लेवी व्यवस्था 19:2 में हम लोग पढ़ता है, और लेवी व्यवस्था 20:7 में ऐसा पदों में हम लोग ये बात को देख सकता है। परमेश्वर हमारा जीवन से पवित्रता चाहता है। हम लोग क्यों पवित्र बनना है? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम लोग भी पवित्र होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ अगर एक अंतरंग संगति करना है तो, मतलब एक इंटीमेट फेलोशिप परमेश्वर के साथ करना है तो पवित्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। इब्रानियों का पत्री 12 उसका 14 में हम पढ़ सकता है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पवित्रता का बिना कि कोई भी प्रभु को नहीं देखेगा बोलकर इधर लिखा है। हम लोग समझ सकता है पवित्रता का बिना हम परमेश्वर के साथ एक अंतरंग संगति नहीं रख सकता है। विश्वासी जीवन में हम लोग अनुभव करने वाला सबसे जो आशीषित बात है परमेश्वर के साथ एक अंतरंग संगति बनाए रखना है, और उसके लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता के बिना परमेश्वर के साथ हम लोग संगति नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों से ये चाहता है कि जैसा मैं पवित्र है, इसलिए मेरे लोग भी, मेरे विश्वासी लोग भी पवित्र होना है। हम लोग बाइबल इसलिए नहीं पढ़ना है कि बाइबल ज़्यादा सीखने के लिए, हम लोग क्यों बाइबल पढ़ना है? हम लोग इसलिए बाइबल पढ़ना है कि बाइबल की परमेश्वर को जानने के लिए, और अधिक से अधिक परमेश्वर को जानने के लिए, और परमेश्वर के साथ वो संगति करने के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन पढ़ना है। और जितने अधिक हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे उतने अधिक हम परमेश्वर के जैसा बनने के लिए कोशिश करेंगे। हमारा कोशिश यही होगा कि परमेश्वर के जैसा बनना, और परमेश्वर हमारे जीवन से जो चाहता है वैसा ही होना और उसी प्रकार आगे बढ़ना, वो हमारा मकसद होता है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों से, विश्वासियों से ये चाहता है कि हम लोग पवित्र बनना है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आज हम लोग देखने से बहुत सारा मसीही लोगों को हम लोग देख सकता है, नाम में वो लोग मसीही है लेकिन उसका जीवन में मसीह का कोई भी स्वभाव नहीं है, और ऐसे मसीहियों के द्वारा परमेश्वर का बदनाम होता है। लेकिन हमारा जीवन ऐसा होना है कि हम सिर्फ नाम के मसीही नहीं होना है, और हमारा हम सच में, हमारा स्वभाव में, हमारा चाल चलन में हम मसीही होना है। मसीह का स्वभाव हमारा जीवन में होना है, और मसीह के पीछे सचमुच में चलने वाला हम लोग होना है। इसलिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।